Hi everyone, I am Faraz and I am a software developer at CureFit. तो काफ़ी लोग टेंशन में थे ऑनलाइन राउंड्स को लेकर के, बट देर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू. तो जो लोग हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 70% अपनी प्रिपरेशन ऑनलाइन राउंड्स के लिए ऑलरेडी कर ली है, और बाकी बची हुई तैयारी के लिए वी विल बी फर्स्ट डिकोडिंग दी ऑनलाइन राउंड्स कि उसमें कौन से सेक्शंस होते हैं, कौन से पार्ट्स होते हैं, एंड अकॉर्डिंगली मैं आपको रिसोर्सेज दे दूंगा इस वाली वीडियो में, एंड देन यू कैन गो एंड प्रिपेयर फॉर दैट. तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो ऑनलाइन राउंड्स हैं ये कहाँ कंडक्ट होते हैं. देर आर सेवरल प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि आपका हैकर रैंक है, हैकर अर्थ है, मेटल है, ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर ये ऑनलाइन राउंड्स कंडक्ट कराए जाते हैं. अब इस चीज़ का सिग्निफिकेंस क्या है वो आपको अभी पता चलेगा. देन आई हैव डिवाइडेड दीज इंटू थ्री कैटेगरीज. ये तीन कैटेगरीज हैं जो कि मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज इनमें से क्वेश्चंस पूछती हैं. पहली कंपनी आपसे सिर्फ कोडिंग क्वेश्चंस पूछेगी, कुछ नहीं होगा, सिर्फ कोडिंग क्वेश्चंस होंगे, दो या तीन कोडिंग क्वेश्चंस. ओके, देन देर आर कंपनीज विच आस्क कोडिंग क्वेश्चंस प्लस कंप्यूटर फंडामेंटल्स. कंप्यूटर फंडामेंटल्स के आपके MCQs होंगे, जैसे कि आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, DBMS, एक्सेट्रा. ठीक है, देन देर आर कंपनीज विच ऑल्सो आस्क एप्टीट्यूड क्वेश्चंस. उसमें एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस होते हैं अपार्ट फ्रॉम CS फंडामेंटल्स एंड कोडिंग क्वेश्चंस. ठीक है, अब ये जो हमने तैयारी अपनी बताई है, द प्लान दैट आई हैव प्रोवाइडेड, उसमें मैंने आपका एप्टी कंप्लीट करवा दिया है, पूरा बता दिया कि एप्टी कहाँ कहाँ से करना है. तो एप्टी आपका डन, उसकी टेंशन नहीं लेनी है. ओके, अगर जिसने नहीं किया, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन गो एंड चेक इट आउट. देन CS फंडामेंटल्स, इसके भी मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स की पूरी पूरी लिस्ट दे दी है, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से वो टॉपिक्स पढ़ने हैं. सो वो भी आपका पार्ट डन हो जाएगा. ठीक है, CS फंडामेंटल्स डन, एप्टी डन. अब बचता है कोडिंग. अब कोडिंग में मेजरली दो सेक्शन है. वन इज DSA, जहाँ पर आपसे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे ट्रीज हो गया, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यूज. ठीक है, देन देयर इज कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग. अच्छा, DSA के लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक 250 क्वेश्चंस की शीट दे दी थी, आई होप आप लोगों ने कर ली होगी, काफी लोगों ने वो शीट कंप्लीट कर ली है. देन अगर आपने वो कर ली है, इट इज सफिशिएंट. जिसने नहीं की है, दे कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं. देन देयर इज कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग. अभी कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग कहाँ से करनी है, कैसे कैसे करनी है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस कर लेते हैं. मैं आपको काफ़ी अच्छे अच्छे रिसोर्सेज बता दूंगा जहाँ से आप लोग जाके कर सकते हैं. सो लेट अस गो एंड चेक दैट आउट. ठीक है, तो अब आप लोगों को मैं दो ऐसे रिसोर्सेज बता देता हूँ जहाँ से आप अपनी कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग की तैयारी काफ़ी अच्छी लेवल तक कर सकते हैं. बट आई वुड एडवाइस कि आप वो करने से पहले जो मैंने आपको 250 क्वेश्चंस DSA के दिए हुए हैं वो एटलीस्ट कंप्लीट कर लें. उससे क्या होगा कि वो क्वेश्चंस आपके ऑनलाइन राउंड्स में भी काम आएंगे एंड टेक्निकल इंटरव्यूज में डेफिनेटली वो क्वेश्चंस काम आने वाले हैं. सो इट इज़ माई एडवाइस कि जस्ट कंप्लीट दोज क्वेश्चंस, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड विद कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग. अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं हम लोग अनअकैडमी के बारे में. सो देर आर फोर बैचेज लॉन्चिंग ऑन 28th and 21st of July, एंड इसमें से काफ़ी सारे बैचेज ऐसे भी हो सकते हैं जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी फॉर योर प्लेसमेंट्स. फर्स्ट बैच इज ब्रह्मास्त्र, एंड इट इज़ एन एक्सक्लूसिव 5 months लर्निंग ट्रैक फॉर बोथ ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स. तो अगला बैच है एकलव्य, इट इज़ अ कम्प्लीट जावा कोर्स. ये एक 7 महीने का कोर्स है, एंड इट विल कवर वेरी बेसिक्स ऑफ जावा. इट विल कवर्स कॉन्सेप्ट्स सच एज रिकर्जन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड ग्राफ एल्गोरिथम्स. देन फाइनली वी हैव अ 6-week मास्टर कोर्स ऑन एडवांस प्रोग्रामिंग टॉपिक्स सच एज डायनेमिक प्रोग्रामिंग, सेगमेंट ट्रीज, एडवांस ग्राफ्स एंड मैनी अदर टॉपिक्स विच आर रिलेवेंट फॉर इंटरव्यूज. अब इन कोर्सेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और अगर आप लोग इनमें से कोई कोर्स परचेज करते हैं, देन यू कैन यूज माई रेफरल कोड FRAZ टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन दीज कोर्सेज. ठीक है, तो अब हम लोग अपना पहला रिसोर्स देखते हैं जहाँ से हम कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग की तैयारी कर सकते हैं. सो दिस इज A2OJ. ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको मिल जाएंगी बहुत सारी लेडर्स. यू विल हैव टू गो टू द लेडर्स, देन यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू द रेटिंग लेडर्स मिल जाएंगी, प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे. देन देर आर Div 2, A, B, C and D लेडर्स. अच्छा, तो इनमें से आपको लेडर A पे जाना है. यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चंस दिए होंगे. सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम कोड फोर्सेज. ठीक है, तो इनमें से आप लोगों को 40-50 क्वेश्चंस ट्राई कर लेने हैं लेटर ए में से, एंड ये आपके काफ़ी जल्दी जल्दी हो जाएंगे. इनकी डिफिकल्टी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, दीज आर इजी क्वेश्चंस एंड आप लोग इनको जल्दी जल्दी कर पाएंगे. देन यू विल गो टू द लेटर बी. सेम लेटर बी में से भी आप लोग 40-50 क्वेश्चंस ट्राई कर लेंगे. ओके, ये देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन खोलता हूँ यहाँ पर, तो ये आपका कोड फोर्सेज पे खुलता है. ऑलराइट, सिमिलरली यू कैन गो टू द लेटर सी, एंड लेटर सी में से भी आप इसी तरीके से 40-50 क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइम दैट यू हैव. अब लेटर से आपने कोई क्वेश्चन पिक किया, ओके, एंड आफ्टर ट्राइंग
अगर आपसे ये सॉल्व नहीं होता है देन वॉट यू कैन डू इज यू कैन गो टू दी ट्यूटोरियल्स। ट्यूटोरियल्स में जाके आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स यहाँ पर मिल जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इंट्यूशन। ठीक है, कई बार हिंट दे रखा होता है, यू कैन गेट द हिंट एंड ट्राई सॉल्विंग इट, वरना आपको प्रॉपर यहाँ पर सॉल्यूशन दिया होगा, देन आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब मेरे पास एक और चीज़ है, सो दिस इज बेसिकली अ ड्राइव विच इज मेंटेन्ड बाय IIT। यहाँ पर जितनी भी कंपनीज IITs में विजिट करती हैं उन सबके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑनलाइन राउंड्स में उन सबकी लिस्ट दी हुई है एंड यहाँ पर आपको क्वेश्चन की लिंक भी दी होगी कहाँ से वो क्वेश्चन पूछा गया है। अगर लिंक नहीं तो आपको स्क्रीनशॉट दिया होगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीनशॉट्स दिए हुए हैं क्वेश्चंस के एंड इसके बाद थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कशन भी किया है, सॉल्यूशन की लिंक भी दी हुई है। तो यहाँ पर ऐसी दो ड्राइव हैं, वन इज़ फॉर 2018-19 अदर इज़ फ्रॉम 19-20, तो आप ये डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। इससे आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि कंपनीज में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस किस टाइप से प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन के आती हैं, कौन से प्लेटफॉर्म से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों की तैयारी अब अच्छे से हो जाएगी। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है, कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, आप अपने भाई को याद कर सकते हैं, मुझे बस एक कमेंट कर देना, आई विल मोस्ट प्रोबेबली रिप्लाई टू दैट कमेंट। और जिन लोगों को मुझसे बात करनी है दे कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को रास्ता मिल जाएगा जहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड दोज हु आर न्यू हियर दे कैन सब्सक्राइब टू द चैनल इफ दे वांट मोर सच कंटेंट इन फ्यूचर। सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइस फॉर योर इंटरव्यूज़।